नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और स्वावलंबन को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति फेज 3 के तहत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076, महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, चाइल्डलाइन हेल्पलाइन नंबर 1098, आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112, एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर 102, कोरोना हेल्पलाइन नंबर 1075 को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शनिवार को महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन तांडा, एसपी ट्रैफिक राम सेवक गौतम, एसपी सिटी सोनम कुमार, एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह, सीओ खजनी इंदु प्रभा सिंह एवं महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्या कृष्णा चटर्जी की मौजूदगी में मिशन शक्ति अभियान की जानकारी दी गई। इस अवसर पर एसपी ट्रैफिक राम सेवक गौतम, सीओ खजनी इंदु प्रभा सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन ताडा ने मिशन शक्ति अभियान के बारे में छात्राओं को जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी स्थिति में आप लोग पुलिस की सहायता ले सकती हैं। इस अवसर पर छात्राएं, शिक्षक और बड़ी संख्या में महिला सिपाही मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, ओम नमस्ते सतीति जगत्तारणाय, नमस्ते चितेश्वराय, ओम शांति शांति शांति। हम उस परमपिता परमात्मा से अगर हम इस तरह एक कार्यक्रम में होंगे, किसी सभागार में होंगे, कानूनी सेवा में थोड़ा हर्ष का भी विषय है, थोड़ा दुख का भी विषय है। ये पूर्णता अभी हम और राष्ट्र को आगे लेकर के चलना चाहेंगे। इसी कार्य में अब बीच बीच में इसी कार्य में मैं विद्यालय की छात्रा हम उनको आमंत्रित करते हैं कि वह अपने विचार को रखें। हम सभी के मन कुछ बताना चाहूंगी, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने इस अभियान की विशेषता निम्नलिखित है। उद्बोधन के लिए हम आमंत्रित करते हैं विद्यालय की छात्रा श्वेता शर्मा। आज ये मिशन शक्ति फेज 3 का शुभारंभ, जैसे पहले ही बताया जा चुका है कि आज प्रारंभ हो रहा है मिशन शक्ति फेज 3 का, और सभी हमारी जो महिलाएं हैं वो एम्पावरमेंट सशक्तिकरण की तरफ चलें। हमारे भारतीय समाज में हमेशा महिलाओं को और पुरुषों को बराबर का सम्मान दिया गया है। जब भी हम कभी अपनी भारतीय संस्कृति की तरफ देखते हैं तो हमेशा हमारे यहाँ महिलाएं भी बराबर के रूप में, शास्त्र के रूप में जो वेद की ऋचाएं हैं उन ऋचाओं की रचना की है। यदि हम उपनिषदों को देखते हैं, चाहे अद्वैत उपनिषद हो या तैतरीय उपनिषद हो या छांदोग्य उपनिषद हो, इनमें बराबर की भागीदारी महिलाओं की मिलती है। एक साथ ही चाहे गांधी हो, मैं
प्रेम हो, अपाला हो, घोषा मुद्रा हो, सभी महिलाएं पूर्ण रूप से शास्त्रार्थ में भाग लेती हैं और बराबरी का अधिकार। बस केवल इतना है कि कुछ जो है वर्षों में जो हम लोग दास्ता में रहे हैं वहां पर कहीं में कुछ जो है अधिकारों में क्षरण हुआ था, पुनः उसकी तरफ उन्मुख होकर के जो हम भूले थे उसको पुनः प्राप्त करना है। नंबर 112 और इमरजेंसी नंबर 112 से सभी को इंटीग्रेट करने का कार्य चल रहा है। अभी आपने देखा होगा कि 108 को इंटीग्रेट कर दिया गया है, इसी तरह से 1090 उसको भी 112 से इंटीग्रेट किया गया है, जीआरपी को इंटीग्रेट किया गया है, जो बाल जो हेल्पलाइन है उसको इंटीग्रेट किया गया है। तो इस तरह से जितने भी इमरजेंसी नंबर हैं उनको 112 से इंटीग्रेट किया जा रहा है, एकीकरण किया जा रहा है, जिससे कि एक ही नंबर आप डायल करके आप हेल्प ले सकें। अपने जनपद में भी जो पीआरपी है उसमें भी महिलाओं की तैनाती की गई है, रात्रि 10 बजे से और प्रातः 6 बजे तक यदि कहीं कोई महिला अकेली है और उसको कहीं गंतव्य में जाना है तो 112 कॉल करके उस पीआरपी की सहायता ले सकते हैं। सती प्रथा, देवदासी प्रथा, ये जो प्रथाएं थी ये कहीं ना कहीं जो महिलाएं थी हमारे देश की उनकी प्रोग्रेस में बाधक थी। अगर आप किसी बच्ची का विवाह बहुत छोटी उम्र में करते रहे हैं तो क्या उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि पढ़े? है उसके पास नहीं। इसीलिए इन कुरीतियों को हटाना, दूर करना समाज से और महिलाओं और बालिकाओं के लिए ऐसा माहौल तैयार करना जिसमें उनका समग्र विकास हो सके बहुत आवश्यक था। इसीलिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारे देश की संविधान रचना हुई तो उसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए जो फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़े होंगे अपनी बुक्स में, टीचर्स ने आपने पढ़ाए होंगे, उसमें राइट टू लाइफ में सिर्फ जीना नहीं है, डिग्निफाइड तरीके से जीना, वो अधिकार आपको प्रदान किया गया है। राइट टू लिबर्टी, आप अपनी चीज़ अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकें अच्छे से, ये नहीं आप हिचकिचाएं कैसे बोलें, शर्माना नहीं है, और अपने विचारों को जो भी आप महसूस करती हैं उसको अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं आप। राइट टू एम्प्लॉयमेंट, आप कहीं पर भी कोई भी कार्य कर सकती हैं, ऐसा नहीं एक कार्य आप कर सकती हैं इस क्षेत्र आप जा सकती हैं इस क्षेत्र आप नहीं जा सकती हैं। अभी आप देख रहे हैं कि आर्मी के तीनों वर्जन से आर्मी नेवी एयरफोर्स वो सभी आप लोगों के लिए खोल दिया गया है महिलाओं के लिए। अब वहाँ भी प्रतिशत नहीं है कि महिला जो है आर्मी में नेवी में या एयरफोर्स में जा सकती है। हमारे जो संविधान जिन्होंने बनाया है और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता है उन्होंने विभिन्न एक्ट्स और के जरिए महिलाओं की सुरक्षा उसको इंश्योर किया है समाज में। निकाल दो इसको फ्री है तो यही हाल जगह मेरा हो जाता है। यहाँ मौजूद हमारे साथी अधिकारीगण, महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला शक्ति अभियान का तीसरा चरण शुरू किया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा और हमारे एसपी साहब साहब ने बताया कि महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा और स्वावलंबन की ये पहल है जिसमें कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे आने वाले समय में, और उद्देश्य यह है कि महिलाओं को जो उनका हक है समाज में वो दिलवाया जाए, उनको सुरक्षित महसूस करवाया जाए और उनका जो पूरा पोटेंशियल है, जो पूरी क्षमता है वो उभर के आए, ऐसा वातावरण उन्हें दिया जाए। ज़्यादा लंबी बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि सारी काम की बातें हो चुकी है। हमारे सीओ साहब ने, मैडम ने आपको कानून के बारे में बताया, एसपी ट्रैफिक साहब ने आपको जो स्कीम्स चल रही हैं यूपी पुलिस की तरफ से महिलाओं की सुरक्षा के लिए उसके बारे में बताया, और एसपी साउथ साहब ने बड़े प्रासंगिक उदाहरण दिए। 3-4 बातें हैं जो मैं बच्चियों से बताना चाहूँगा यहाँ पर, जो बड़ी कॉमन चीज़ है और जो मेरे अनुभव से बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो यह कि
अपनी मदद तो सभी करते हैं, आप दूसरों की मदद कीजिए, आपको अपने आप शक्ति का अनुभव होगा। जब कोई आदमी आपके पास आया, महिला आई, बच्चा आया, आपने उसकी मदद कर दी, तो आपको अच्छा लगता है, आपको कैपेबल लगता है कि मतलब मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं किसी को कुछ दे सकता हूँ, तो अपने आप आदमी में शक्ति का संचार होता है। जो राजा है वही सबको दे सकता है, तो इसीलिए राजा बनिए, सबको दीजिए, मदद कीजिए सभी की। एक ऊंची दीवार अगर पार करनी हो, दो लोग खड़े हैं उसके सामने, अगर वो कहे कि मैं अपने आप चढ़ूंगा तो कितनी ताकत लगेगी उनको, अपना एक हाथ खींचे चढ़ना, दूसरे हाथ से एक हाथ खींचे और चढ़ जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन अगर वो दोनों तैयार हो कि भाई मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम मेरी मदद करो, एक मिनट का काम है, कितनी भी ऊंची दीवार हो आराम से चढ़ जाएंगे। तो इसीलिए सदैव याद रखें, आपकी सहेली, आपकी माता जी, आपकी बहन, आपकी भाभी, जो भी महिला हो उसकी मदद करना आपका कर्तव्य है, ये पहला उसूल बनाए। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, बुराई नहीं करनी है, बुराई नहीं करनी है, पहले मदद करनी है फिर बुराई करनी हो तो करिएगा, सलाह देनी हो बाद में दीजिएगा, पहले उसकी मदद करते हैं। तो हमेशा ये याद रखते हैं, तो अपने आप सब शक्तिशाली हो जाएंगे। होता क्या है कि हम महिलाओं को कहते हैं भाई तुम ये करो तुम शक्तिशाली हो जाओगी, तुम ये करो शक्तिशाली हो जाओगी, तो अपने आप शक्तिशाली होना संभव ही नहीं है बिना दूसरे की मदद के, और सभी एक दूसरे की मदद करेंगे तो समाज अपने आप इस प्रकार का वातावरण आपको देगा जहां आप सुरक्षित भी महसूस करेंगे और अपनी क्षमता के अनुसार आप कार्य भी अच्छा कर पाएंगे। दूसरा, दूसरों की परवाह ना करें। होता क्या है कि जो लोगों ने अपने जीवन में देखा होता है, अनुभव किया होता है, वही बात आपको बताते हैं। जिसने जीवन में कुछ नहीं किया होता वो अपना अनुभव बताएगा कि अरे कुछ हो ही नहीं सकता, जिसने जीवन में कुछ किया होता है वो बताएगा कि नहीं हो सकता है। तो आपको अंदर से जो महसूस होता है वही आप किया करें, बाहर से सुने सबकी पर करें वही जो मन की हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि तो बालिकाओं को सलाह देने का काम पिता भी करेंगे, भाई भी करेंगे, बड़ी बहन भी करेगी, माता जी भी करेगी, फिर उनके पति आएंगे वो करेंगे, सास ससुर देंगे सलाह, तो सलाह देने का काम सभी करेंगे, लेकिन करना आपको वही है जो आपकी इच्छा हो, किसी की सलाह माननी नहीं है, अपने मन से काम करना है। और कोई बुराई करे तो उसको मतलब धूल जैसे कपड़ों पे लगती है वैसे झटक देना चाहिए, उसको मन में नहीं लेना चाहिए। शरीर पे लगा घाव तो भर जाता है, मन पे लगा घाव कभी नहीं भरता। उसको आप ये दृढ़ निश्चय कीजिए कि कोई कुछ भी बोले मैं अपने आप को कभी उससे आहत नहीं होने दूंगी। तीसरा, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। आप अगर अपने आप को साबित करना चाहते हैं तो आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। आप जब परिश्रम करेंगे तो आप दूसरे लोगों को सम्मान अर्जित करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप परिश्रम करने के बाद सफल हो जाए, परंतु आप सम्मान सबका अर्जित कर लेंगे। कई लोग होते हैं बड़ी मेहनत करते हैं लेकिन उनका काम नहीं हो पाता, लेकिन सब लोग कहते हैं कि नहीं भाई मेहनत की थी, बहुत डेडिकेटेड है, बहुत मेहनती है, पूरी ताकत लगाई उन्होंने। तो इसीलिए जो भी काम करें परिश्रम से करें, लगन से करें, आधे मन से ना करें। अपने आप जब आप परिश्रम करेंगे तो एक जगह नहीं तो दूसरी जगह आपको सफलता मिलनी ही है, और जब एक बार सफलता मिलती है तो फिर अपने आप समाज का दृष्टिकोण आपके प्रति बदल जाता है। तो ये चीज अवश्य करें। और चौथी चीज, दुनिया के बारे में जानें। दुनिया के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आज आप लोग यहाँ पर आए, आपने कई चीजें जानी होंगी, कई चीजें सुनी होंगी, देखी होंगी, महसूस की होंगी। इतनी सारी महिला पुलिसकर्मी हैं आपके आसपास, हो सकता है आप भी कभी पुलिस में भर्ती हो, इनको देखकर आपको भी उत्साह आया हो। तो इसीलिए बाहर निकले, दुनिया में देखें, सुने, और जो आपको सही लगता है वो आप करें। तो ये चार बातें आप याद रखिएगा, एक दूसरे की मदद जरूर कीजिएगा। ये बड़ा मैं देखता हूँ बड़ा एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, हम कहते हैं कि भाई यहाँ पर सब काम खींचते हैं, काम इसलिए खींचते हैं क्योंकि हम ही एक दूसरे की बुराई करते हैं। बुराई को जब कभी मन में आए भी कि बुराई करनी है तो पहले बुराई को रोक लो, पहले मदद कर दो फिर उसकी बुराई करो। तो अगली बार याद रखना, कभी किसी के बारे में आपको बुराई करनी हो तो याद रखना कि बुराई जैसे ही मुंह पे आने लगे उसको रोक लेना है, पहले उसकी मदद करनी है फिर अपनी सलाह देनी है उसको। तो अपने आप देखेंगे भगवान आपके ऊपर कृपा करनी शुरू करेगा। आप किसी की मदद करेंगे तो भगवान आपकी मदद करेगा। तो इसीलिए ये चार बातें आप याद रखिएगा जीवन में।
मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने बेटे और बेटी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूँगा। मैं अपने बच्चों को बचपन से ही जीवन के नैतिक मूल्य सिखाऊंगा और उन्हें सही और गलत का भेद बताऊंगा। जिस प्रकार से मैं अपने बेटी को स्वयं की सुरक्षा के लिए ध्यान रखने को कहता हूँ, उसी प्रकार मैं अपने बेटे को अनुशासन में रखते हुए उसकी भी दैनिक गतिविधियों का पूरा ध्यान रखूंगा। जय हिंद। आज मिशन शक्ति फेज 3 के प्रोग्राम था। मिशन शक्ति महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के एक प्रोग्राम है। महिला को सशक्तिकरण करने का ये मकसद है कि जब समाज में महिलाओं को सशक्तिकरण किया जाएगा आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तभी जाके समाज आगे बढ़ेगा। और इसी उद्देश्य से 2020 में 17 अक्टूबर ये मिशन शक्ति स्टार्ट हुआ था और ये भी नवरात्र के टाइम ही था। और नवरात्र के टाइम में मतलब भी एक मीनिंग समझ बोल सकते हैं आप, क्योंकि इसी समय शक्ति की पूजा की जाती है, दुर्गा माता की पूजा की जाती है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को भी उसी शक्ति के आधार पर हम लोग देखे हैं। और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये किया गया है, बहुत ही सराहनीय कार्य है ये। और मैं इसी विद्या महाराणा प्रताप बालिक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल होने के नाते बहुत बहुत खुश हूँ कि महाराज जी की इस प्रोग्राम को मैं आज कंडक्ट करा पाई। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के आज थर्ड फेज का जो था शुरुआत यहीं से हुआ है। और इसके इनॉग्रेशन करने के लिए, शुरुआत करने के लिए शहर के SSP आए थे, श्री विपिन तड्डा जी उनके साथ आए थे, अरुण कुमार सिंह जी SP साउथ, इंदु प्रभा सिंह जी CO खजनी, श्री राम सेवक जी SP ट्रैफिक, और भी बाकी बहुत सारे पुलिसकर्मी आए थे, महिला पुलिसकर्मी आए थे। और इसके साथ साथ हम लोग और भी एक ये महिला सशक्तिकरण के एक फेज़ आज यहाँ पर शुरू कर दिया। कल रक्षाबंधन है, उसी के शुभ अवसर पर इन सब के हाथ में कलाई में राखी बांध के महिला के सुरक्षा के वादा ले लिया गया है उन लोगों से, ये बहुत बड़ी बात है। आज महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया, जहां पर कि कॉलेज की छात्राएं और हमारी महिला पुलिस टीम के साथ में विचार विमर्श किया गया और उन्हें जागरूक किया गया महिला सशक्तिकरण के बारे में और इस अभियान के उद्देश्य बताए गए, उपयोगिता बताई गई। साथ ही आज यहाँ पर हमारी जो महिला बीट पुलिस ऑफिसर्स की टोली आई है उनको यहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें कि इनको क्षेत्र अलॉट किए गए हैं। जिस प्रकार से पुरुषों की पुरुष कांस्टेबल्स की बीट अलॉट होती है, उसी प्रकार से हमने महिला कांस्टेबल्स की बीट अलॉट की और उन्हें महिला बीट ऑफिसर्स कहा जाएगा। अपने अपने बीट क्षेत्र में जाएंगी और वहां पर ये महिला जो हमारे नागरिक हैं उनसे बात करेंगी, उनकी समस्याओं का निदान करेंगी, निस्तारण करेंगी।
साथ ही आज यहाँ पर जो पालिकाएं हैं उनके साथ रक्षाबंधन का त्यौहार भी हमने मनाया और राखी बंधवाई और उनको वचन दिया कि यूपी पुलिस सदैव उनकी सेवा में तत्पर है, सदैव उनकी सुरक्षा के लिए सतर्क है और तत्पर है।